Good morning, class. Good morning, sir. Today now we can discuss very most important questions of revision class. For these questions, this is the question number first half. Choose the option that is nearly the same meaning, ancient. Question number first half का जो दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए. कह रहा है कि choose the option that is nearly the same meaning. Ancient. Ancient का मतलब क्या होता है? पुराना. तो कह रहा है कि जो ancient होता है उसका मतलब होता है पुराना. और आपका ऑप्शन दिया है न्यू दिया है मिंट दिया है एज दिया है और सेज दिया है. तो जो एंशियंट होता है पुराना इसका सेम मीनिंग क्या होगा? तो इसका एज जो होता है वो सेम हो जाएगा. एज इसका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है प्लेंटी. प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुरता. प्लेंटी मतलब क्या होगा? प्रचुरता. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? लाट होगा, स्कैर्स होगा, गिफ्ट होगा कि बोनस होगा? लाट. तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? लाट हो जाएगा, मतलब अधिक. सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्पेलिंग. इन चारों में चार ऑप्शन दिया हुआ है. आर आई सी आई वी ई, आर ई सी आई ई वी ई, आर आई सी ई आई वी ई और आर ई सी ई आई वी ई. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा. रिसीव मतलब प्राप्त करना. ठीक है. क्वेश्चन बता दिया गया आप लोगों को, रिवीजन क्लास से देख लीजिए थोड़ा सा. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका पी ओ डबल पी ओ एस सी डबल एस, पी ओ डबल एस सी डबल एस, पी ओ डबल एस ई एस और पी ओ डबल एस ई आई एस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? पोजेस होगा. इसका अर्थ होता है प्राप्त करना. थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. क्वेरल कह रहा है कि विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब इसमें जो चार ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा इसका सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है. तो क्वेरल का पर्यायवाची जो है क्या नहीं होगा? आर्गुमेंट नहीं होगा कि बिकरिंग नहीं होगा, डिस्कार्ड की क्वेरी. तो इसका जो क्वेरी होता है, क्वेरी मतलब होता है स्वीकार करना. तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेरल तुम्हारा आर्गुमेंट, बिकरिंग, डिस्कार्ड, ये तीनों जो है इसका सिनोनिम्स है और क्वेरी जो है इसका सिनोनिम्स नहीं होगा. अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लवली. एक शब्द दिया हुआ है लवली. लवली मतलब प्यारा, सुंदर. ठीक है. विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मतलब कि लवली जो शब्द दिया है इसका बिलोंग शब्द कौन सा नहीं होगा? एंटोनिम. अगली नहीं होगा, ड्रैब नहीं होगा, एफुल नहीं होगा कि टाल नहीं होगा? तो इसका जो टाल होता है, टाल मतलब क्या होता है? लंबा. तो ये इसका उत्तर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही. क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि विच इज नॉट एन एंटोनिम, कौन सा इसका बिलोंग नहीं है. तो अगली मतलब होता है भद्दा, ड्रैप और फुल, ये तीनों जो है इसके सिनोनिम्स है. इसलिए जो है आपका ये हो जाएगा टाल मतलब लंबा. ऑप्शन नंबर ए सही है इसका. अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइव क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से उसका अपोजिट वर्ड होगा, मतलब अपोजिट मतलब बिलोंग शब्द होगा. ठीक है. ड्राट दिया हुआ है. ड्राट मतलब क्या होता है? सूखा. ड्राट मतलब सूखा होता है. तो इसमें फ्लड दिया है, ड्राइनेस दिया है, ब्राट दिया है और रिवर दिया हुआ है. ठीक है. तो फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़. ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा. इसमें अपोजिट मीनिंग पूछा है. अपोजिट मतलब बिलोंग शब्द होगा. ठीक है. तो इसका ड्राफ्ट का क्या हो जाएगा? फ्लड हो जाएगा. और अगला सेकंड क्वेश्चन है एबिलिटी. एबिलिटी का जो है अपोजिट मीनिंग पूछना है. तो फिजिबिलिटी होगा, अनएबिलिटी होगा, डिसएबिलिटी होगा और इनएबिलिटी होगा. तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन नंबर डी जो होता है इनएबिलिटी, अक्षमता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी इसका अपोजिट वर्ड मीनिंग है. ठीक है. yes, आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? यस सर. ठीक है. थैंक यू क्लास. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.